हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह, आरबी जीटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीमियम में एक U1200 वार्म गियरबॉक्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी बैरिंग और आयल सील के बारे में, कौन सा बैरिंग और किस नंबर का आयल सील लगता है इसमें। वैसे हमने प्रीमियम में के U500, U600, U700 एंड U800 और U1000 गियरबॉक्स के बैरिंग और आयल सील ऑलरेडी इसी चैनल पे हम अपलोड कर चुके हैं। तो इसी श्रृंखला में आज नंबर है U1200 यानी 12 इंची गियरबॉक्स की बैरिंग और आयल सील डिटेल के बारे में। तो प्रीमियम में एक U1200 गियरबॉक्स की बैरिंग और आयल सील डिटेल के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। यह है प्रीमियम मेक का U1200 वार्म एंड व्हील गियरबॉक्स, इसको 12 इंची गियरबॉक्स भी बोलते हैं, जिसका रेशियो है 60:1। इस गियरबॉक्स का यूज मुख्यतः कन्वेयर के लिए किया जाता है, इसके अलावा अन्य एप्लीकेशनों में भी यूज होता है। ये गियरबॉक्स तीन टाइप का आता है, एक तो यू आता है, एक ओ आता है और एक वी आता है, यानी U1200, O1200 और V1200। सबसे ज़्यादा यूज होता है यू गियरबॉक्स और वो सामान्यतः प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। वी जो है एरेटर एप्लीकेशन के लिए या कूलिंग टावर के लिए यूज़ किया जाता है। इस गियरबॉक्स का आउटपुट शाफ्ट वर्टिकली होता है, यानी वर्टिकल निकलता है अप या डाउन को, इसलिए इसका प्रयोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों में भी किया जाता है। इन तीनों गियरबॉक्स यू, ओ और वी तीनों का आयल सील और बैरिंग डिटेल सेम ही रहता है, यानी जो बैरिंग नंबर और आयल सील के नंबर होते हैं वो कॉमन होते हैं। U1200 में जो इनपुट शाफ्ट होता है उसको हम वार्म शाफ्ट बोलते हैं, जो कि मोटर के साथ कनेक्टेड रहता है, और आउटपुट शाफ्ट जो होता है वो उसको व्हील शाफ्ट बोलते हैं, जो वार्म व्हील के साथ में लगा रहता है। आउटपुट शाफ्ट हमारा जिस मशीन को चलाना है उसके साथ में कनेक्ट रहता है। तो इसके इनपुट शाफ्ट यानी वार्म शाफ्ट के ऊपर में दो बैरिंग लगे रहते हैं, टेपर रोलर बैरिंग होते हैं, और उसी के साथ में आयल कैचर के साथ में दो आयल सील फ्रंट में यानी मोटर साइड में एक, और एक दूसरी जो है फैन साइड में लगती है। आउटपुट शाफ्ट यानी व्हील शाफ्ट के ऊपर भी हमारी दो बैरिंग लगती हैं टेपर रोलर, और एक आयल सील लगती है जिस साइड में हमारी आउटपुट शाफ्ट निकलती है। U1200 के इनपुट पे जो बैरिंग लगती है यानी वार्म शाफ्ट के ऊपर में जो बैरिंग लगती है उसका नंबर है 31317। टेपर रोलर बैरिंग है, इसकी क्वांटिटी दो रहती है, और जो आउटपुट शाफ्ट पे बैरिंग लगती है यानी व्हील शाफ्ट के ऊपर जो बैरिंग लगती है उसका नंबर है 30220। टेपर रोलर बैरिंग है, इसकी भी क्वांटिटी दो रहती हैं। ये स्टैंडर्ड गियरबॉक्स के बैरिंग डिटेल हैं। अगर हमारा गियरबॉक्स HDS है तो उसमें जो है बैरिंग लगेगा आउटपुट का 32220, इसकी भी क्वांटिटी दो रहेगी, ये भी टेपर रोलर बैरिंग है। HDS क्या होता है, कहीं पे ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें आउटपुट शाफ्ट थोड़ा स्ट्रॉन्गर चाहिए तो उसको गियरबॉक्स में लगाया जाता है, या कूलिंग टावर के गियरबॉक्स में भी आउटपुट शाफ्ट थोड़ा हैवी रखी जाती है। तो ये जो चीज़ है HDS जो है ये गियरबॉक्स की नेम प्लेट पे अंकित रहता है, उससे हम पता कर सकते हैं हमारा गियरबॉक्स हैवी ड्यूटी है या नहीं है। तो अगर हैवी ड्यूटी है तो बैरिंग इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा, बाकी बैरिंग सेम रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं इसके आयल सील डिटेल का। तो आयल सील क्या है कि इस गियरबॉक्स में इंच साइज में आयल सील आती है, जिसको हमने कन्वर्ट करके MM साइज में कर दिया है। तो इसका इनपुट में जो वार्म शाफ्ट पे जो आयल सील लगता है वो 63.5 × 89.91 × 12 mm में रहता है, इसकी क्वांटिटी दो लगती है, और जो आउटपुट पे लगता है वो 100 × 120 × 12 रहता है, इसकी भी क्वांटिटी एक रहती है। और अगर हमारा गियरबॉक्स जैसा पहले बैरिंग में चेंज हुआ था HDS में, वैसे अगर HDS है तो इसका MM में जो साइज निकल के आता है वो है 123.82 × 149.22 × 13 mm। आयल सील के बारे में तो आप लोगों को पता है, जो पहला डिजिट 100 बता रहा है, 100 × 120 × 12 mm, तो ये पहला 100 जो है ये बताता है आयल सील की ID,
और दूसरा जो है 120 बताता है, ये बताता है ऑयल सील की ओडी आउटर डायमीटर, और तीसरा डिजिट जो बता रहा है 12, ये बता रहा है ऑयल सील की थिकनेस यानी मोटाई कितनी है। तो ये था U1200 गियरबॉक्स का बैरिंग और ऑयल सील का डिटेल। अब थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं इसके एक्सेल फ्लोट पे, क्योंकि अगर हम बैरिंग चेंज करेंगे तो एक्सेल फ्लोट हमारा चेंज हो जाएगा, तो एक्सेल फ्लोट हमको पता होना चाहिए कितना रहता है। तो U1200 में जो इनपुट शाफ्ट रहती है यानी वार्म शाफ्ट रहती है, उसका जो एक्सेल फ्लोट होता है वो रहता है 0.075 to 0.125 mm, और आउटपुट शाफ्ट यानी व्हील शाफ्ट का जो एक्सेल फ्लोट रहता है वो 0.5 से 0.1 के बीच में रहता है। और इसमें हम जो ऑयल डालते हैं वो 320 ग्रेड का ऑयल होना चाहिए, और इसमें ऑयल क्वांटिटी जो रहती है U1200 में 23 लीटर पड़ता है। अगर वो है 1200 तो 15 लीटर पड़ेगा, अगर V1200 है तो उसमें 37.5 लीटर ऑयल कैपेसिटी होती है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारा जैसे ही अपलोड करें वीडियो वैसे आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुँचे। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।